ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਨ ਮਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਬੇ ਦੇ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਟਾਫਟ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੌਰ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਧੁੱਪ ਵਰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ ਕਵੀ ਸੋਰੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਵਨ ਮਾਰਕਸ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਵਨ ਮਾਰਕਸ ਹੀ ਆਣੇ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਚ ਆਣਗੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਆਣੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਗੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਹਿਤ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਇਸ ਟਰਮ ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਵਾਰਤਕ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਵਨ ਮਾਰਕਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਣੇ ਬੇਟਾ ਦਰਬਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਉਹਦੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ ਲੇਖਕ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਖਕ ਨੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਾਮੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਾਮੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਸਹੇਲੀ ਵਾਂਗ ਕੁਛ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਕਿਸ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਕਿਸ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਸਹੇਲੀ ਵਾਂਗ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲਿਪਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਦਾ ਪਰੋਲਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਂਡੂ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਹਾਂ ਬੇਟਾ
ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਲੇ ਜੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਘਾਹ ਜੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਕਸ ਪਾਂਡੂ ਪਾਂਡੂ ਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਂਡੂ ਵਰਡ ਕਿਹਾ बेटा क्वेश्चन पूरा लिखा है कंधा ऊपर किस दा परोला फेरिया जांदा सी पूरा क्वेश्चन लिखा ऊपर मैं नेक्स्ट लिखो केड़े महीने केड़े देसी महीने बेटा आंसर लिखा है केड़े देसी महीने बहुत तेज बारिश हुंदी सी केड़े देसी महीने विसा केड़े देसी महीने बहुत तेज बारिश हुंदी सी विसाख दे बेटा ले चैप्टर पढ़ो ना उन्होंने क्या है कनका पकल दिया बदल चढ़ आंदे विसाख दे महीने तेज तार बारिशां हुंदियां ते कहंदे उन्हें बेबे दे अनुसार कि विसाख दा महीना यह दसदा है कि मैं भी सावन दे महीने नालों घट नहीं है इस महीने भी बारिश हो सकती है तुसी तैयार हो ताकि कनका नूं तुसी उन्हां पहले ही संभाल कर लो बेटा चैप्टर अकॉर्डिंग ना नेक्स्ट क्वेश्चन लेखक दी मां ने लेखक दी मां गल्ला करन लग्या लेखक दी मां गल्ला करन लग्या केड़ा लेखक दी मां गल्ला करन लग्या केड़ा अलंकार केड़ा अलंकार वरती सी उपमा अलंकार गुड लेखक दी मां गल्ला करन लग्या केड़ा अलंकार वरती सी उपमा अलंकार कंपैरिजन करना किसी चीज का किसी नाल उपमा कविता बेटा कविता दी कई तरह के अलंकार वरते हैं कविता नु शिंगारन लई ताकि कविता सोहनी लगे ठीक है जब आप किसी का किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं उपमा अलंकार वरते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट है लेखक दी मां ने लेखक दी मां ने औरत नूं किस दा दर्जा दिता है लेखक दी मां ने औरत नूं औरत नूं किसदा दर्जा दिता है नहीं चैप्टर पढ़िया सी ना उन्हें कहा सी जे कोई आदमी अपनी वोटी नूं कुटदा सी तां कहिंदी सी कि जे अपनी वोटी नूं नहीं कुटिया तुसीं धरती नूं कुटिया है फिर किहड़ा दर्जा दिता है धरती दा लाइन पढ़ीदा कि जे नहीं जे तुसीं अपनी जनानी नूं बेटा कितनी पूरा पढ़ाया मैं दर्जा दिता है धरती का लेखक दी मां ने औरत नूं किसदा दर्जा दिता है धरती का बेटा उन्हें कहा कि जे कोई आदमी अपनी जनानी नूं अपनी वाइफ नूं कुटदा है
तो कहती सी तुसी अपनी वाइफ नू नहीं कुटिया, तुसी धरती नू कुटिया है। इसलिए उन्हें किन्नू किया, धरती नू कंपैरिजन कीते है, उपमा अलंकार हो गया ना, ठीक है, उपमा अलंकार यानी कि औरत नू धरती नाल कंपैरिजन कीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक दी बेबे ने लेखक लेखक दी बेबे ने अपने आप नू की किया है, अपने आप नू की किया है। जिंद्रा लोग 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 लेखक दी बेबे ने बेटा चिंद्रा पीली गए लो। बेटा जो कहती सी ना उन्हें जो पुत्र कहना है कि तुहाडे कोल तां रौनका लगे ही रहती है, कोई गल नहीं मैं नहीं मिलन आया तो फिर की गल हुई। फिर उसकी मां समझाती है कि जब तक मेरा बच्चा मेरे कोल ही तद तक मैनू खुशी नहीं है। मैं किया उन्हें समझाया उपमा अलंकार वरतदी है ना कि मैं एक जिंद्रा वा, यह सारे उपमा अलंकार ते तुसी चाबी अपने पुत्र नूं कहिंदे जब तक जिंद्रे भी चाबी नहीं लगती तद तक जिहड़ा कि जिंद्रा खुलदा नहीं, उसी तरह जब तक तुसी मेरे कोल नहीं आंदे तद तक मैं खुल के जी नहीं पाती, खुश नहीं हो पाती, चाहे जिन्ने मर्जी कोई रिश्ता मिलन आ, पर जब तक एक औलाद एक मां अपनी मां नूं नहीं मिलती तद तक जिहड़ी मां है खुश नहीं हो पाती असल दे विच, चाहे बाहरों खुश दिखाई देवे पर जब तक एक बच्चा अपनी मां नूं नहीं मिलता, सॉरी मां अपने बच्चे नूं नहीं मिल पाती तद तक मां खुल के जी नहीं पाती। इसलिए उन्हें उपमा अलंकार वरत रहे हैं, अपने आप नूं जिंदा के है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ते अपने पुत्र नूं की किया है, चाबी या ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आ सकता है, लेखक दी मां ने चाबी किस नूं किया है, अपने पुत्र नूं या लेखक नूं, दोनों तरह का क्वेश्चन लिख लो बेटा। लेखक दी मां ने चाबी किस नूं किया है, अपने पुत्र लेखक नूं, जिद्दां मर्जी दोनों तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो किन्ना भी नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक दी मां किन्ने लेखक दी मां दा व्याह किन्ने साल दी उम्र विच होया सी, 16। लेखक दी मां दा व्याह किन्ने साल दी उम्र विच होया सी, 16 साल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक दी मां दा व्याह किन्ने साल दी उम्र विच होया सी, 16 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक दी मां ने लेखक दे पिंड वालियां नूं पापी क्यों किया है, लेखक दी मां ने लेखक दे पिंड वालियां नूं पापी यानी कि पाप करने वाले गलत काम करने वाले दसदी है ना पापी क्यों किया है, क्योंकि बेटा उह जानवरां नूं मार के खा जांदे सन, ठीक है, जिवें मोरां नूं मुर्गापियां नूं कुंजां नूं, ठीक है। लेखक दी मां ने किन्नू
नेक्स्ट है लेखक की मां के अनुसार। नेक्स्ट है नवी पुरानी तहजीब। कविता का एक लॉन्ग क्वेश्चन कराया सी, केंद्री पर या कविता विच आए विचारां नूं प्रगट करो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आवे चाहे केंद्री पर चाहे नहीं करवा लगे और चाहे कविता विच आए विचारां नूं प्रगट करो, सेम आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सेकंड क्वेश्चन, नवी कवि ने नवी या पछमी सभ्यता दे दोषा दा नवी अते पछमी सभ्यता दे दोषा दा मूल्यांकन करो। लॉन्ग क्वेश्चन, नवी लिख दिया, लिख रही है बेटा। नवी ते पछमी, लॉन्ग क्वेश्चन है, नवी ते नवी जा पछमी सभ्यता दे दोषां दा, लॉन्ग क्वेश्चन है, मूल्यांकन। पिछला चैप्टर है वाला बेटा। हां जी, सेकंड क्वेश्चन, पहला केंद्री भाव सी ते विचार। पहला क्वेश्चन सी केंद्री भाव आ जावे चाहे कविता दे कवि ने केड़े विचार प्रगट किए हैं, या एक क्वेश्चन हो रहा है कवि ने केड़ी सभ्यता नु बेहतर किया है, तां भी सेम आंसर है, सेम वही वाला केंद्री भाव वाला। हाँ हाँ, आंसर सेम बेटा। उन्हें दे विच जेड़े चैप्टर दे विच जेड़ियां जेड़ियां कमियां आई हैं ओदे बाद लिखना है इस क्वेश्चन दे विच। कड़ी क्वेश्चन चैप्टर बेटा, लिसन दिव्यांशी बेटा, इस क्वेश्चन इस चैप्टर दे विच असी सिर्फ पछमी सभ्यता या नवी सभ्यता दे जिहड़ी कमियां नूं दसना है। ठीक है, लिखो मूल्यांकन, मूल्यांकन बोलो, ओदे बाद दसो की दस्या ने। लिखो कवि ने नवी सभ्यता दा, कवि ने नवी ए सभ्यता दो सके भैन भरावां नूं आपस विच लड़ा दिंदी है। ए सभ्यता दो सके भैन भरावां नूं आपस विच लड़ा दिंदी है। बाकी कल करवा दांगे, ठीक है, नेक्स्ट।